लाल मिर्च, लाल मिर्च को अरबी में फिल फिल अहमर कहा जाता है, फिल फिल अहमर, लाल मिर्च फिल फिल अहमर। लहसुन, लहसुन को अरबी में थुम कहा जाता है, लहसुन को अरबी में थुम कहा जाता है। बैगन, बैगन को अरबी में बदिंजन कहा जाता है, बैगन, बैगन को अरबी में बदिंजन कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी में सब्जियों के नाम। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हिंदी में सब्जी, सब्जी को अरबी में कहा जाता है खुदार। सब्जी, सब्जी को अरबी में कहा जाता है खुदार। सब्जी की दुकान, सब्जी की दुकान को अरबी में कहा जाता है महल खुदार, महल खुदार। सब्जी की दुकान महल खुदार, दुकान मतलब महल, सब्जी मतलब खुदार। सब्जी की दुकान महल खुदार। भिंडी, भिंडी को अरबी में बामिया कहा जाता है, भिंडी, भिंडी को अरबी में बामिया कहा जाता है। हरी मिर्च, हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल अखदर कहा जाता है, हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल अखदर कहा जाता है। लाल मिर्च, लाल मिर्च को अरबी में फिलफिल अहमर कहा जाता है, फिलफिल अहमर, लाल मिर्च फिलफिल अहमर। लाल मतलब अहमर होता है, जो लाल कलर होता है उसको अहमर कहा जाता है। मिर्च, मिर्च मतलब फिलफिल, मिर्च, मिर्च मतलब फिलफिल, लाल मिर्च फिलफिल अहमर। लहसुन, लहसुन को अरबी में थुम कहा जाता है, लहसुन को अरबी में थुम कहा जाता है। बैगन, बैगन को अरबी में बदिंजन कहा जाता है, बैगन, बैगन को अरबी में बदिंजन कहा जाता है। गोभी, गोभी को अरबी में करनाबीत कहा जाता है, गोभी, गोभी को अरबी में करनाबीत कहा जाता है। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को अरबी में मलफूफ कहा जाता है, जो बंद गोभी होता है, पत्ता गोभी होता है उसको अरबी में मलफूफ कहा जाता है, मलफूफ। खीरा, खीरा को अरबी में खियार कहा जाता है, खीरा को अरबी में खियार कहा जाता है। मूली, मूली को अरबी में फुल्ज कहा जाता है, मूली, मूली को अरबी में फुल्ज कहा जाता है। सलजम, सलजम को अरबी में लिफ्त कहा जाता है, सलजम, सलजम को अरबी में लिफ्त कहा जाता है। गाजर, गाजर को अरबी में जजर कहा जाता है, गाजर, गाजर को अरबी में जजर कहा जाता है। चुकंदर, चुकंदर को अरबी में समंदर कहा जाता है, चुकंदर, चुकंदर को अरबी में समंदर कहा जाता है। मटर, मटर को अरबी में बजिल्ला कहा जाता है, मटर, मटर को अरबी में बजिल्ला कहा जाता है। सेम, सेम को अरबी में फासुलिया कहा जाता है, सेम, सेम को अरबी में फासुलिया कहा जाता है। मशरूम, मशरूम को अरबी में फतर कहा जाता है, मशरूम, मशरूम को अरबी में फतर कहा जाता है। शकरकंद, शकरकंद को अरबी में बतातस हलवा कहा जाता है, शकरकंद, शकरकंद को अरबी में बतातस हलवा कहा जाता है। आलू, आलू को अरबी में बतातस कहा जाता है, आलू, आलू को अरबी में बतातस कहा जाता है। प्याज, प्याज को अरबी में बस्सल कहा जाता है, प्याज, प्याज को अरबी में बस्सल कहा जाता है। टमाटर, टमाटर को अरबी में तमातम कहा जाता है, टमाटर, टमाटर को अरबी में तमातम कहा जाता है। अदरक, अदरक को अरबी में जंजबील कहा जाता है, अदरक को अरबी में जंजबील कहा जाता है। धनिया, धनिया को अरबी में कुजबरा कहा जाता है, धनिया, धनिया को अरबी में कुजबरा कहा जाता है। पुदीना, पुदीना को अरबी में नाना कहा जाता है, पुदीना, पुदीना को अरबी में नाना कहा जाता है। सोवा, सोवा को अरबी में सबत कहा जाता है, सोवा, सोवा को अरबी में सबत कहा जाता है। नींबू, नींबू को अरबी में लेमून कहा जाता है, नींबू, नींबू को अरबी में लेमून कहा जाता है। पालक, पालक को अरबी में सबानख कहा जाता है, पालक, पालक को अरबी में सबानख कहा जाता है, पालक को अरबी में सबानख कहा जाता है। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को अरबी में फुलफुल रूमी कहा जाता है, शिमला मिर्च, शिमला
शिमला मिर्च को अरबी में फुलफुल रूमी कहा जाता है। शिमला मिर्च को अरबी में फुलफुल बर्द भी कहा जाता है, क्योंकि शिमला मिर्च तीखा नहीं होता है, इसके लिए उसको बर्द भी कहते हैं। शिमला मिर्च मतलब फुलफुल बर्द। मकाई को अरबी में जुर्रा कहा जाता है। मकाई को अरबी में जुर्रा कहा जाता है। कद्दू को अरबी में यकतीन कहा जाता है। कद्दू को अरबी में यकतीन कहा जाता है। लौकी को अरबी में करा कहा जाता है। करा, लौकी मतलब करा। अब मैं आपको बताऊंगा चिकन, अंडा, मटन, दाल, ब्रेड को अरबी में क्या कहा जाता है। अंडा को अरबी में बेद कहा जाता है। अंडा को अरबी में बेद कहा जाता है। मुर्गी को अरबी में दिजाज कहा जाता है। मुर्गी चिकन को अरबी में दिजाज कहा जाता है। दाल को अरबी में आदस कहा जाता है। दाल को अरबी में आदस कहा जाता है। बकरा का गोश्त को अरबी में लहम गनम कहा जाता है। बकरा का गोश्त लहम गनम। बकरा मतलब गनम, गोश्त मतलब लहम। बकरा का गोश्त लहम गनम। गाय के गोश्त को अरबी में लहम बगरा कहा जाता है। गाय का गोश्त लहम बगरा। गाय मतलब बगरा। गाय को अरबी में बगरा कहा जाता है। गोश्त को लहम कहा जाता है। गाय का गोश्त लहम बगरा। ऊँट का गोश्त लहम जमल। ऊँट का गोश्त लहम जमल। ऊँट मतलब जमल, गोश्त मतलब लहम। ऊँट का गोश्त लहम जमल। पास्ता को अरबी में मकरोना कहा जाता है। पास्ता को अरबी में मकरोना कहा जाता है। रोटी को अरबी में खुबुस कहा जाता है, खुब्ज कहा जाता है। रोटी को अरबी में खुबुस कहते हैं, खुब्ज भी कहते हैं। ब्रेड को भी अरबी में खुब्ज कहा जाता है। ब्रेड को अरबी में खुब्ज कहा जाता है। व्हाइट ब्रेड को अरबी में खुब्ज अबियत कहा जाता है। व्हाइट ब्रेड को अरबी में खुब्ज अबियत कहा जाता है। ब्रेड मतलब खुब्ज, वाइट मतलब अबियत, जो वाइट कलर होता है उसको अरबी में अबियत कहते हैं। वाइट ब्रेड खुब्ज अबियत। ब्राउन ब्रेड को अरबी में खुब्ज असमर कहा जाता है। खुब्ज असमर। ब्राउन ब्रेड खुब्ज असमर। ब्राउन मतलब असमर, ब्रेड मतलब खुब्ज। ब्राउन ब्रेड खुब्ज असमर। तो दोस्तों, मैं आपको सब्जियों के नाम बताया हूँ अरबी में। अगर आप इसे याद करेंगे तो आप दुकान पर जाएंगे तो आपको सब्जी का नाम पता होगा, तो आप आराम से सब्जी खरीद सकते हैं।